गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के हो गए हैं 9:30, हम लोग दोबारा आ गए हैं दशाश्वमेध घाट यहाँ पे गंगा स्नान के लिए। एक्चुअली लोग पहले मैं दिखाता हूँ, पहले हम लोग यहीं करने वाले थे यहाँ पे, बाकी लोग अपना स्नान कर रहे हैं, बट देन हमने फिर से बोट ले ली। रात को जो बोट थी वो काफी एक्सपेंसिव थी, हमें पता नहीं था कि वो सस्ती भी हो सकती है। तो ये बोट जो है हमें लेके जाएगी उधर, वो पीछे आप अगर एरिया देख रहे हैं, ये बोट हमें वहां लेके जाएगी और इसकी कॉस्ट है 20 रुपीज पर पर्सन वहां जाने का, 20 रुपीज देन वापस आने का। 40 रुपीज पर पर्सन है आपका अप एंड डाउन। तो और वहां पे आधे घंटे का स्टे रहेगा, तो आधे घंटे में आप आराम से नहा भी सकते हो। वहां पे कैमल राइड भी है, हॉर्स राइड भी है और भी कुछ चीजें दिख रही है, तो वहां चलते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं हम भी वहां पे। नहाएंगे ये तो श्योर है, क्योंकि अगर बनारस आए और नहाए नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। पर अभी तो बनारसी पान भी बाकी है, बनारसी साड़ी वाली मार्केट मैंने आपको कल दिखाई। अभी हम पान खाएंगे तो उसके बाद थोड़ा घूमेंगे। और थोड़ा अगर हिस्ट्री की बात करें तो इसके 3 नाम है, काशी, बनारस और वाराणसी। करेंटली वाराणसी ज्यादा फेमस हो रखा है, बट जो एंशिएंट नाम है वो है इसका काशी। कहा जाता है कि शिव जी के हाथ पे है, हालांकि शिव जी के हाथ पे बसा हुआ है और सबसे पुराना शहर है, न कि इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे पुराना शहर कहा जाता है बनारस को। और बाकी ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं देंगे क्योंकि ये सब तो गूगल पे भी अवेलेबल होगा। तो चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं, तब तक थोड़ा सा व्यू देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है यार। फर्स्ट टाइम कैमल राइड कर रहे हैं बनारस में आके, बहुत डर लग रहा है। बैलेंस बना नहीं पाएगा ना। हाँ हाँ, हमारा बैलेंस सही है भैया, एकदम भैया बता रहे हैं। ये हमारा कैमल भैया, नाम क्या है इसका? भैया इसका नाम है बादल। बादल नाम रखा है भैया ने। तो ये मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो वो पूरा है बनारस का दशाश्वमेध घाट, दशाश्वमेध घाट। नाम काफी कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ नाम से। ये हमारा कैमल, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है। जो कहते ना बालू, बालू ही है। और भैया ने हमें चार्ज किया है 100 रुपए 2 लोगों का, जो कि बहुत ही रीजनेबल रेट है, कोई फालतू पैसा नहीं मांगा है। लेकिन हम लोग कस्टमर हैं, हम लोग कम करवाने की कोशिश करते रहते हैं, पर इन्होंने कम नहीं किया। भैया कितने साल से आप यहाँ पे? यहाँ पर हम लोग ये 7वां साल है। 7वां साल। अरे घोड़े की उम्र क्या होगी लगभग? सॉरी घोड़ा कह रहा हूँ, ऊंट की। अभी ये बच्चा है इसीलिए इतना चिल्ला रहा है। अच्छा, अभी इसको आदत नहीं हुई है? नहीं, अभी दूध पी रहा है। अच्छा अच्छा, निकाल देंगे। देख रहे हो नीचे पूरा बालू। अरे भैया नहीं जाना है भाई, वो जाएंगे नहीं। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुबह सुबह यहाँ पे ऐसा होगा, और एक तो आज थोड़े बादल हो गए तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। आई एम रियली लविंग दिस प्लेस नाउ। हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, बिल्कुल जाओ। मैं नहीं जाऊंगा हॉर्स वॉर्स पे। बैग पकड़ो, वो जाएंगे नहीं यार, उनकी फटती है। अरे एक तो रखी लो यार। अरे यार हमारे मित्र हॉर्स राइड करते हुए, और मेरे को बहुत डर लगता है घोड़ों से, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। और इन्होंने मेरे को बहुत सारा सामान पकड़ा दिया, मतलब कि बैग, जैकेट, अपना साइड बैग, सब कुछ।
तो ये जा रहे हैं भी आगे और मैं आगे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ यार, बहुत चलना पड़ रहा है यार, पैर धस रहे हैं इसमें। तो गाइस ये जो बनारस में यहाँ पे जो रेट्स वगैरह है ना घोड़े के और कैमल्स के, बहुत रीजनेबल है, मुझे बहुत रीजनेबल लग रहा है। क्योंकि इन्होंने ऊंट पे, हम लोग दो लोग बैठे थे कैमल पे, तो उसके हम इन्होंने लिए 100 रुपये और 100 मीटर लगभग लेके गए होंगे फिर भाई वापस। और अभी गए हैं घोड़े पे, आप देखो मेरे पीछे वो जो घोड़ा, नहीं वो तो ऊंट है, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये जो घोड़ा जा रहा है, ये जो मेरे साथ आए हैं मेरे दोस्त वो जा रहे हैं, उनका भी 50 रुपये ही लिया इन्होंने, और वही कहते कि अगर आप दो घोड़े करेंगे तो 100 रुपये। तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी कि एक्सपेंसिव है, मेरे हिसाब से तो बहुत रीजनेबल है। बाकी मौसम देख के लग रहा है बारिश होने वाली है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ इस तरफ घाट के इस तरफ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा खाली है। तो फटाफट नहाते हैं, छोटा सा वीडियो बनाएंगे। तो अब मैं जा रहा हूँ नदी में नहाने के लिए, डोंट जज मी, यहाँ मुझे बहुत डर लगता है पानी से। एक सेकंड, यस नाउ इट्स गुड। बहुत ठंडा पानी है, समान समान पानी बहुत ठंडा है। ये देखिए वहां तक है, अभी मैं और नीचे जाने की सोच रहा हूँ, नाव पकड़ के जाता हूँ, सेफ्टी रही बस। ठीक ठीक भैया, तो वीडियो दूर से बनाते हैं क्योंकि फोन गिरने का भी चांस है। तो स्नान के बाद अब हम निकल रहे हैं वापस दशाश्वमेध घाट की तरफ और वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आगे की वीडियोस भी आप देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए लव द लेसन्स को। सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, शब्बा खैर।